तो एक तरफ जहां भारत की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन में नई नई तकनीक से नए नए डेवलपमेंट कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी ग्लोबल मार्केट से रिसीव होने शुरू हो गए हैं। और हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिसे जानकर आप भी हैरान रहने वाली है, क्योंकि जिस सेक्टर में भारत अभी तक दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था, उसी सेक्टर में यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भारत का दबदबा बनना शुरू हो गया है। और हाल ही में एक खबर सामने निकल कर आई कि डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी म्यूनिशंस प्राइवेट लिमिटेड ने 6,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट ऑर्डर को टच कर लिया है और फाइनेंशियल ईयर 2024 में यह लगभग 25 करोड़ के भी ऊपर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। और भारत जिस तेजी के साथ डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है, उसी तेजी के साथ ग्लोबल मार्केट में कब्जा भी कर रहा है, जिससे अभी तक जो देश डिफेंस इंपोर्ट के मामले में चीन, जर्मनी और रूस पर अपनी निर्भरता कायम किए हुए थे, अब वह देश भारत की ओर अपने रुख को मोड़ रहे हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने एक्सपोर्ट ऑर्डर के नए अचीवमेंट को हासिल कर लिया, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, इस समय भारत की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं, वह नई नई टेक्नोलॉजी से लैस डिफेंस में यूज होने वाली हथियार, फाइटर जेट और मिसाइलों के प्रोडक्शन पर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि इस समय दुनिया के सभी देश अपने डिफेंस को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। और इसीलिए भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने सभी देशों की फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन, एडवांस्ड व्हीकल और एयरोस्पेस के कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दिया है। और म्यूनिशंस प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके मुताबिक इस कंपनी के द्वारा बनाए गए डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड दूसरे देशों में बढ़ती जा रही है, जहां इस कंपनी को 6,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्शन के ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिनकी सप्लाई 3 सालों के अंदर करनी है। अगर इस कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की बात करें तो यह इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेशनल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आपको बता दें कि DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो ज्यादातर लॉन्च व्हीकल को बनाती है, उसमें जिन मिसाइलों का यूज किया जाता है वह सभी इसी कंपनी के द्वारा बनाए गए होते हैं। और हाल ही में जो सुपर पावर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई है, उसे DRDO और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने मिलकर डेवलप किया है। और जो देश डिफेंस इक्विपमेंट भारत से खरीदना चाहते हैं, उनमें UAE, वियतनाम और यूरोपियन कंट्रीज शामिल है। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज ऐसी है जो भारत से ही डिफेंस इक्विपमेंट को इम्पोर्ट करना चाहती हैं, लेकिन उनका नाम अभी हाईलाइट नहीं किया गया है। और इसके अलावा देखा जाए तो अफ्रीका ऑलरेडी अर्जुन टैंक्स बनाने का ऑर्डर भारत के DRDO को दे चुका है, जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीका के लिए 118 मेन बैटल टैंक्स बना रही है, जहां इन 118 टैंक्स को पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर बनाया जा रहा था, केवल इसमें यूज होने वाले इंजन जर्मनी से खरीदे जा रहे थे, लेकिन जर्मनी के इंजन की सप्लाई आने वाले 4 सालों तक बंद करने के बाद इसमें यूज होने वाले इंजन भी भारत खुद बना रहा है, यानी कि इन्हें पूरी तरह से भारत अब इंडिजीनस रूप से डेवलप कर रहा है, जो कि भारत की आत्मनिर्भरता के आगे बढ़ने का नया उदाहरण है। और भारत में DRDO और म्यूनिशंस ने जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया है, उसकी डिमांड इस समय दुनिया के सभी देशों में है, क्योंकि भारत ने जो सुपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया है, उसके आगे अमेरिका, रूस और चीन की भी मिसाइल फेल हो चुकी है। यानी इस समय देखा जाए तो भारत ने मिसाइल प्रोडक्शन के मामले में महारत हासिल कर लिया है, जिसमें फिलीपींस ने सबसे ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल को भारत से खरीदा है। हालांकि इसके अलावा अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के लगभग सभी देशों ने इसे खरीदने में अपने इंटरेस्ट को दिखाया है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को फिलीपींस ने खरीदा है। इसके अलावा हाल ही में एक दिन पहले एक खबर निकलकर आई कि आर्मेनिया भारत से ATAGS यानी कि एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम,
जो कि भारत की एडवांस लेवल की तोप है, उसे खरीद रहा है। क्योंकि इस समय आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तनाव चल रहा है, इसलिए आर्मेनिया अपने डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। और आर्मेनिया ने इसे कंफर्म भी किया है कि वह 84 की संख्या में एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीद रहा है, जिसके लिए भारत और आर्मेनिया के बीच $155 मिलियन की डील फाइनल की गई है, जो कि भारत की उभरते डिफेंस इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। और यदि एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की बात करें तो यह एक एडवांस लेवल की टोप है, जिसे भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के सहयोग से डेवलप किया था, जिसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग DRDO ने साल 2019 में की थी। और बात करें इसके बनाए जाने की, तो इसे जर्मनी की आधुनिक डिफेंस रिक्वायरमेंट को देखते हुए भारत की DRDO ने डेवलप किया था। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे किसी भी इलाके में ले जाकर आसानी से फायरिंग की जा सकती है, फिर चाहे वह चीन से सटे पहाड़ी इलाके हो या फिर रेगिस्तान मैदान। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में डेवलप की गई इस एडवांस्ड लेवल की टोप से 48 किलोमीटर तक की रेंज में किसी भी टारगेट पर आसानी से फायरिंग की जा सकती है, क्योंकि इस तोप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे -3 से 70 डिग्री तक ऊपर नीचे करने के साथ साथ -20 से 25 डिग्री तक दाएं बाएं भी घुमाया जा सकता है, जो कि किसी भी लंबे टारगेट पर फायर करने के लिए काफी है। यही नहीं, इसके अलावा ये 15 सेकंड में 3 बार फायर करने के लिए कैपेबल है। और आपको बता दें कि भारत और आर्मेनिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इसके पहले भी काफी अच्छे रहे हैं, और डिफेंस के मामले में देखा जाए तो पिछले साल भारत ने आर्मेनिया को 6 की संख्या में ATAGS और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को डिलीवर किया है, जहां भारत की DRDO ने विदाउट डिले आर्मेनिया के कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करके एडवांस लेवल की टोप ATAGS को भेजा है। और इसीलिए आर्मेनिया ने दोबारा से 84 की संख्या में एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को भारत से खरीदने के लिए $115 मिलियन की डील को फाइनलाइज किया है। और भारत के लिए आर्मेनिया की तरफ से इस कॉन्ट्रैक्ट का मिलना इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, क्योंकि भारत के द्वारा आर्मेनिया से कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली कंप्लीट करके सक्सेसफुली एडवांस टोप को डिलीवर करने से दूसरे देश भी इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो अब भारत इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में भी उभरना शुरू हो गया है, जो कि भारत के लिए काफी बड़ी जीत है। और देखा जाए तो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी DRDO इस समय नए नए इनोवेशन करने पर भी काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि क्या भारत आर्मेनिया के कॉन्ट्रैक्ट को समय से पूरा कर पाएगा या नहीं, और भारत अपनी डिफेंस इक्विपमेंट से ग्लोबल मार्केट में पहचान बना रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।